So I'd say that I've recently, as in 1-1.5 साल पहले से ही start किया perfume लगाना, because हमें बच्चे नहीं लगाते हैं perfume, it's not allowed. So I used to be very excited, मुझे बहुत लगाना होता था कि mama please let me try it once, you know, इतना अच्छा लगता है, इतनी प्यारी खुशबू आती है. और अब जब मुझे permission मिल गई, now that I'm a grown up girl, I wear perfumes and I think it's very important to feel fresh, you know. अब तो वैसा होता है, मैं कभी भी room में जाती हूँ तो ज़रूरत नहीं भी होती है तो भी ऐसे ऐसे spray करके full on style में आती हूँ. And my collaboration with them has been amazing. As I said before, that I was collaborating with them for Afzal. Afzal बहुत ही मतलब अभी भी मेरे डैडी यूज़ करते हैं और उसमें इतने सारे बेनिफिशियल चीज़ें थी कि हमने उसका प्रॉपर वीडियो शूट किया था और ईद के टाइम पे निकाला था, विच वॉज सच अ प्योर टाइम टू लॉन्च अ प्रोडक्ट एंड टू प्रमोट इट दैट टाइम. सो आई थिंक इट वॉज अमेजिंग एंड आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एंड आई होप कि ये भी उतना ही इनका सक्सेसफुल हो जितना कि इनके प्रीवियस परफ्यूम्स हुए हैं. आई एम नॉट नॉटी, आई एम वेरी रिजर्व, यू नो, आई डोंट ऐसे मैं मिस्टीवियस नहीं हूँ. वो सारा जितना मेरा हिस्से का था वो भी मेरे भाई में, आयान में, तो यू नो वो पता, आप मेरे और मेरे भाई के साथ रहोगे ना तो आपको पता लगेगा, दोनों में ऐसा डिफ्रेंशिएट कर पाओगे पूरी तरह से. So I am not naughty, but I still love the name naughty girl. Okay, so iske alawa, you know, when we talk about pregnancy, you have already worked with so many co-stars. Have you ever went with someone whose body at all is not good? Aisa kabhi face kiya hai? Koi actor ya actress kabhi body at all nahi? Nahi, aisa to kabhi hua nahi. आई थिंक जिम में ऐसा कई बार होता है, आप कभी कभी एंटर करो, बहुत सारे लोग होते हैं तो एकदम से झटका लगता है, ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग. इवन दो जिम में वो लगा है मेरे, यू नो, अगर आपको ज़्यादा स्वेट आता है, हाँ जी, तो आप डीओ यूज़ करें या टॉवल रखें, इक्विपमेंट्स को क्लीन रखें, बट कभी कभार हो जाता है. आज 11th को मेरा जो मैंने गाया है वो नहीं, वो अभी तक कि हमने शूट भी नहीं किया है, बट बिल्कुल प्लानिंग्स हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं एक ही गाना गाऊंगी और उसके बाद कुछ नहीं होगा, उसके प्लानिंग्स हैं, वो जल्दी आ जाएगा. और आज 11th अक्टूबर आज मेरा एक गाना आया है, हेलो हाय, और 15th अक्टूबर को फ्रूटी आ रहा है, फ्रूटी लग गई है, जिसका टीज़र कल आउट हुआ है, तो अभी फ़िलहाल ये तो आ रहे हैं. यही कहना चाहूँगी कि अभी तक जितनी भी चीज़ें आई है सबको बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने, तो अभी भी अपकमिंग जो जो आ रहा है उनको भी उतना ही प्यार दीजिए, इनफैक्ट और बढ़ा के प्यार दीजिए. और आई होप, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं हम उतना अच्छा काम कर सकें और उतना अच्छा गाना बना सकें, उतनी मेहनत करने की कोशिश करते हैं. और बाकी प्यार देना और उसको अप्रिशिएट करना आपका काम है, तो प्लीज़ वो करिए. थैंक यू सो मच.